नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी के साथ ये खास एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज हिस्टीरिया नाम के पेशेंट के बारे में। कि दोस्तों, एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। यद्यपि हिस्टीरिया एक पुराना जो नाम है उसका, अभी उसको कहते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक पेशेंट जो है वो अपनी होश, यानी वो होश में है या वो बेहोश में है, तो वो अपनी होश को खो देता है। वो काफ़ी लंबे टाइम की बेहोशी हो सकती है। हो सकता है कि उसके जो जाड़े हैं वो भींचने लग जाएं, जाड़े जुड़ने लग जाएं। हो सकता है उसका एक हाथ या एक पैर है वो काम करना बंद कर दे, और यहाँ पर एक अजीब सी सेंसेशन जो है वो महसूस करने लग जाए। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं दोस्तों। ये जो सारे लक्षण हैं, ये लगभग महिलाओं के अंदर ज़्यादा होते हैं, पुरुषों में कम होते हैं। और एक पूरी जो है समाज के अंदर, एक पूरी जो है उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर, लगभग जो गरीब जो जो एक तबका है उसके अंदर ये ऐसे लक्षण के जो मरीज़ है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमारे पास में जितने टोटल पेशेंट आते हैं उसके लगभग 10 से लेकर 15% तक जो पेशेंट्स हैं वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। उनका इस बीमारी से जो है इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके इलाज के अंदर एक बहुत ही अहम बात होती है, जिस बात की वजह से अगर हम उस पर ध्यान दें तो इन पेशेंट का इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। और या मैं यूँ कहूँ कि भी इस पेशेंट्स के इलाज के अंदर वो बात जो है वो लगभग 40% से लेकर 50% तक कारगर होती है। तो क्यों ना उस बात की चर्चा की जाए, उस बात का जो है डिस्कशन की जाए। तो दोस्तों, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये बात जो है वो उन पेशेंट्स की जो कारण है इस बीमारी का, इस कारण से जुड़ी हुई होती है। इस कारण के अंदर दोस्तों ऐसा कहा जाता है, और ये एक मेडिकल रिसर्च का की बात है, कि इसके अंदर उनके माइंड के अंदर कुछ गेन, कुछ जो गेन हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन जो है वो इस वजह से होने लग जाता है कि वो पेशेंट्स जिन किसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, एंजाइटी होती है, चिंताएं होती है, उसका जो माइंड है बहुत तेज़ काम कर रहा होता है। तो दोस्तों, वो जो माइंड जो तेज़ काम कर रहा होता है, उसके माइंड के अंदर जो उसकी जो सारी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो सारी जो परेशानियां हैं उसके माइंड से हटकर अब उसके शरीर पर आने लग जाती है, और वो एकदम से बेहोश होने लग जाता है। और इसके अंदर बेहोशी अगर आएगी, या फिर अगर उसके, जिसको हम बोल सकते हैं कि जाड़े जुड़ना, दांत अगर उसके भींचने लग जाते, वो एकदम से होता है, और एकदम से फिर वो ठीक भी हो सकता है। ये जो बेहोशी है ये दोस्तों काफ़ी लंबी टाइम तक रह सकती है। हो सकता है ये बेहोशी 10-15 मिनट से लगाकर 1 घंटा 2 घंटे, और बहुत सी जगह ये 10-10 घंटे की भी बेहोशी हो सकती है। तो इसके अंदर, इसके दिमाग के अंदर जो लक्षण थे, उसकी दिमाग की जो परेशानी थी, वो शरीर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इस बात को प्राइमरी गेन बोला जाता है। और इस वजह से हमें देखने से ऐसे लगेगा कि ये मरीज जो है ये ज़्यादा अपनी बीमारी को लेकर सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा। वो बताएंगे कि ये इधर का हाथ जो है मेरा काम ही नहीं कर रहा सुबह से, और ना हिल रहा है ना हो रहा है, मैं बेहोश होगी 4 घंटे। तो लेकिन उनके चेहरे के जो भाव हैं वो बड़े ऐसे लगेगा कि रिलैक्स से भाव हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इस प्रकार के भाव हैं। तो दोस्तों, इस घटना को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्राइमरी गेन। इस प्राइमरी गेन का एक फ़ायदा लिया जा सकता है, और वो फ़ायदा जो है वो मरीजों के इलाज के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होता है। दोस्तों, वो क्या फ़ायदा है ये डिस्कस करने से पहले मैं इसका जो सेकेंडरी गेन है वो भी आपको बताना चाहूँगा। कि दोस्तों, उसके माइंड में बहुत सारी परेशानी आई, और उसके माइंड ने उस परेशानी को सारी को
शरीर पर ला दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको एक रास्ता दे दिया, और अब वो माइंड जो है वो थोड़ा सा हल्का महसूस तो किया, लेकिन इसी के साथ जब उसके माइंड ने कन्वर्ट करके, और ये कुछ ऐसी भी बात आप समझ सकते हो कि उसने माइंड ने अपने आप को कमज़ोर मान लिया, उसने हार स्वीकार कर ली कि अब मुझसे लड़ा नहीं जा सकता। हार स्वीकार करने से उसका माइंड ने वो सारे सिम्टम बॉडी पे तो दे दिए, लेकिन उसी के साथ में जब घर वालों ने, आसपास के लोगों ने उसको देखा, उसकी ये लक्षण देखे, तो उन्होंने उससे प्यार से बात की, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा केयर किया, उसको उठा उठा के चला कि भाई हाँ, पैर अगर काम नहीं कर रहा तो आपको पैर रखना ही नहीं है नीचे, हम पैर को रखने की आवश्यकता को ही ख़त्म कर देंगे। तो इतना ज़्यादा जब उन्होंने उस पेशेंट को केयर किया, तो माइंड जो है, जो अपने आप को कमज़ोर समझने लग गया था, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके अंदर अब हिम्मत नहीं रही कि भी मैं जो हूँ वो कुछ काम करूँ भी। और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंडरी गेन की जो अवधारणा है वो काम में आती है, कि इस वजह से माइंड सेकेंडरी गेन के प्रभाव से और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझने लग गया, और वो अब वो इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने आप से तो काम कर ही नहीं रहा। तो दोस्तों मैंने आपको प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन बताई, जिसके अंदर माइंड ने एक रास्ता चुन लिया कि अपनी परेशानियों को ख़त्म किया, और साथ में परेशानियों के साथ में उसने अपने आप को कमज़ोर साबित करने के लिए दूसरों का रेस्पॉन्स का भी सहारा जो है वो उसने लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इन दो घटनाओं से अल्टीमेटली माइंड जो है वो कमज़ोर हुआ, और अब वो कमज़ोर माइंड जो है वो पूरे बॉडी को संभाल ही नहीं पा रहा है। और ये जो पूरी जो घटना है, ये एक बहुत ही जो है एक अजीब सी बीमारी के रूप में सामने आने लग जाती है। जो बीमारी खतरनाक नहीं है, जो बीमारी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, किसी को जान से नहीं मार सकती, लेकिन वो बीमारी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर खुद मरीज को और साथ वाले जो उसके रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान ज़रूर करती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके अंदर ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें उन पेशेंट को जो है वो पेशेंट की तरह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड तो और ज़्यादा पेशेंट मान रहा है, खुद को बीमार मान रहा है। तो उनको ये बताइए कि आपकी ये समस्या ज़रूर है, हमने इसके पूरे चेकअप, सारी जांचें हमने करवा ली, डॉक्टर साहब से हमने बात कर लिया, आप जिन किसी भी डॉक्टर को आप दिखाओ उनसे, आप जब पता चले कि ये हिस्टीरिया की बीमारी से संबंधित चीज़ लग रही है, तो आप कीजिए कि आप बीमार नहीं हो, आप ठीक हो, और हम आपसे उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, और आप भी उनसे इस तरीके से व्यवहार करें जैसे आप एक नॉर्मल इंसान के साथ में व्यवहार करते हो जो कि बीमार नहीं है। कि उनको बोलिए कि आप थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर सकते हो, आप चल सकते हो, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, बताइए घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, या उनसे जो भी आप बातें करना चाहते हो जो एक नॉर्मल इंसान से करते हैं, तो उस तरीके से अगर आप व्यवहार करोगे और थोड़ी थोड़ी उनको जिम्मेदारी जो है वो देनी भी स्टार्ट करोगे, तो सेकेंडरी गेंद कटेगा तो उसी के साथ में उनके अंदर हिम्मत आएगी, वो कहेंगे हाँ अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं ये सारा चीज़ कर सकता हूँ। ये सेकंड नंबर चीज़ जो है प्राइमरी गेंद को हमें ठीक करने के लिए उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस प्रकार से चिंता से, फिक्र से, स्ट्रेस से हम डील करें। स्ट्रेस से डील करने की एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर ढंग से, जिसके अंदर अपने माइंडसेट पर काम किया जाता है, क्योंकि दोस्तों चिंता जो है वो माइंड के विचारों पर प्रभावित करती है, और इसके लिए एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसका उपयोग किया जाता है। CBT का अगर बहुत अच्छे से प्रयोग किया करें तो वो स्ट्रेस से डील करने का जो गलत तरीका उन्होंने इजाद कर लिया था, जिसकी वजह से ये हिस्टीरिया नाम की बीमारी हुई थी, ये बीमारी का परमानेंट और बहुत ही अच्छा जो सॉल्यूशन है वो CBT से हमें मिल सकता है, कि किस प्रकार से हम उस परेशानी को, चिंता को, उस समस्या का समाधान करें। इसके लिए दोस्तों एक CBT के अंदर, CBT थेरेपी में एक खास सेशन होता है, एक खास इसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इस नाम से उसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिला तो इसको आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।